तो जो दूध आप देते हैं तो आपका दूध वहां पहुंचाने जाते हैं कि गाड़ी खुद आती गाड़ी दोनों मीटिंग आती है, दूध लेके जाती है। अभी ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। तो दूध हाथ से निकालते हैं मशीन द्वारा? मशीन भी अपने पास, लेकिन हाथ से मिल्किंग कर रहे हैं, बहुत आवश्यकता पड़ नहीं रही है मशीन की। और मशीन से भैंसों का दूध नहीं निकल पाता है, कुछ गायें हैं वो भी नहीं निकालना चाहती हैं, तो इसलिए दो चार के लिए कोई मतलब बन नहीं रहा है, तो हम भी हाथ से ही निकाल रहे हैं। तो जैसे कि इतना बड़ा फार्म आपका बन चुका है, जी तो आप जैसे कोई और भी किसान हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, उन्हें दूध डेयरी लेना है, जैसे कि मान जी लो कि आप श्वेत धेरा श्वेत श्वेत धारम है, श्वेत धारा, श्वेत धारा इसके पहले थी, अब हम ज्ञान ज्ञान में दे रहे हैं। में दे रहे हैं, यानी जी ज्ञान डेयरी में इनका दूध अभी हाल में जा रहा है, जी तो क्योंकि आप कैपेबल हैं, दूध आपके पास है, किसान आपसे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी डेयरी होगी वो आसानी से आपको दे देगी। आपके पास दूध नहीं है, किसान नहीं जुड़े हैं, तो वो तो फिर मुश्किल है। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि बहुत दूध हो, किसान जुड़े हो, जरूरी नहीं है वो डेयरी आपके यहाँ काम कर रही हो। तो डेयरी अगर काम कर रही है तो मिलेगा, बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आते हैं, एक छोटी सी मीटिंग होती है, 40 किसानों का एक समूह बनता है, उसके बाद फिर डेयरी चलती है आपकी। जैसे कि लगभग जो भी दूध डेयरी लेना है तो उस गांव में कितने दूरी पर डेयरी हो तो मिलता है? मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर दूर पे ही डेयरी आप खोल सकते हैं। एक डेयरी अगर आपके गांव में खुल चुकी है तो वो सेम डेयरी आपको नहीं मिल सकती है, अदर कंपनी के लिए अदर कंपनी की मिल मिल जाएगी जाएगी, लेकिन सेम आसानी डे, से। जैसे हमने कितनी बार हम भी बताए हैं कि आपको लगभग जैसे जिस गांव में आप दूध डेयरी किए हैं उस गांव में अगर 3 से 4 किलोमीटर की दूर पर आप हैं तभी आपको दूध डेयरी मिलेगी। और जब आप जैसे अमूल डेयरी में आप जो है अप्लाई किए हैं, तो अमूल डेयरी में अप्लाई करने का क्या तरीका है? अमूल डेयरी में भी सारे प्रोसेस सेम हैं, यही प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। वहां भी 40 किसानों का एक समूह होगा और वहां पे सचिव और अध्यक्ष का चयन किया जाएगा खुली बैठक में। उसके बाद जो सचिव होगा वही डेयरी का संचालन करेगा। तो सारी मतलब सब कुछ वही है हर डेयरी में। तो जैसे अमूल डेयरी किसी को लेना है, जैसे अपने प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जी जी तो उनको कहाँ पर संपर्क करना होगा? संपर्क उनको करना चाहिए अमूल डेयरी के जो मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, आपको हम कांटेक्ट नंबर उनका दे देंगे, आप अपने वीडियो में उनको दे दीजिएगा किसानों को। तो डेयरी चलानी है, फार्मिंग करनी है, तो फार्म को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जब तक सीधे उपभोक्ता से नहीं मिलेंगे, उपभोक्ता तक आपके प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, उद्धार नहीं होना है। डेयरी में देके तो काम नहीं चल पाएगा। अमूल डेयरी में जो है भैंस का कितना रेट है, हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट भैंस का 120 रुपये, 120 रुपये, हाँ हाँ 120 रुपये समझ रहे हैं। अमूल दूध डेयरी में 120 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से हाँ, दूध जाता है, भैंस का दूध, भैंस का दूध। आपको कैसे पता चला ये? जहाँ चल रही है लोग संपर्क में रहते हैं, कई डेयरियां हैं जो संपर्क में हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप का ब्लॉग, समय रामकैलाश यादव। आज हम पहुंच चुका हूं, देख सकते हैं संस्कार डेयरी फार्म, पता खेमाईपुर रानीगंज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। काफी लोग जो है दूध डेयरी करना चाहते हैं, दूध डेयरी खोलना भी चाहते हैं, गाय पालन भैंस पालन करना चाहते हैं, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर जी। और ये अमूल डेयरी के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं, काफी लोग बोलते हैं कि हमें अमूल दूध डेयरी लेना है, तो अमूल दूध डेयरी के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी इनसे। और इनके पास काफी गाय भी हैं, थोड़ा दिखा दीजिए इधर वहां से और दोनों साइड, और संस्कार डेयरी एक बार दिखा दीजिए और एक बार ऊपर जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है इनके एक ऐसी भी गाय हैं जो 32 लीटर 30 लीटर तक दूध देती हैं, और सभी जो है गायों का आपको दिखाया जाएगा, गाय का क्या रेट पड़ रहा है, भैंस का क्या रेट पड़ रहा है, और ये कौन से डेयरी में जो है दूध देते हैं, फार्म वगैरह में कैसे खर्च होता है ये बनवाने में, ये कितने पशुओं के लिए फार्म बना हुआ है, तो सारी चीजें आपको वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सर अपना परिचय दे दीजिए। जी नमस्कार, हाँ। मेरा नाम है देवेंद्र तिवारी जी। मेरे फार्म का नाम है संस्कार डेयरी फार्म, खेमाईपुर रानीगंज उत्तर प्रदेश। आपकी ये दूध डेयरी जो खुला हुआ है ये कौन से सन में खोला गया है? सर काम शुरू हुआ है नवंबर 2020 से। अच्छा, और चल रहा है, काम बढ़िया चल रहा है। तो आपके पास टोटल कितनी गाय और भैंस हैं? अभी टोटल गायों की संख्या 13 है, भैंस 3 हैं और बछिया हमारी 6 हैं, टोटल 20 पशु हैं। जी यहाँ सबसे ज्यादा दूध देने वाली जो गाय है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा दूध देने वाली 3-4 गायें ऐसी हैं जो 30 के ऊपर हैं। एक गाय है 32 लीटर भी उसने टच किया है, 32 लीटर 200 ग्राम,
जो कि बाय फॉलो ने रिकॉर्ड करवाया था, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग थी सर। 32 लीटर वाले कौन सी गाय, थोड़ा कैमरा मैन से कहना चाहूंगा थोड़ा अंदर आ जाइए, आपको ये 32 लीटर दूध वाली देख सकते हैं, ये अभी ड्राई पे आ चुकी है, यानी नवंबर में बच्चा करने वाली, यानी नवंबर में बच्चा करने वाली है, यही वो गाय है। उसका थोड़ा थन वगैरह दिखा दीजिए, इस साइड थोड़ा पीछे साइड से चले जाइए, देखिए अभी ये माने कि कितना महीने को ब्याही हो गई होगी, ये अभी ड्राई हो चुकी है, बस नवंबर में बच्चा करेगी। इसने दूध निकालना बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया है ये। अच्छा। इसके पहले भी नवंबर में ही बच्चा दिया था इसने। अच्छा। ये हर साल बच्चा दे रही है, बहुत बढ़िया गाय है, यानी कि इसका हमारी, हाँ गाय हमारी सारी एक साल में बच्चा दे देती है। अच्छा। हर साल बच्चा दे, यानी दूध बच्चा करने कितने दिन पहले दूध निकालना बंद करते हैं, 60 से 65 दिन, यानी 2 से 2.5 महीने। हाँ 2 से 2.5 महीने, कम से कम 60 से 65 दिन का टारगेट होता है। कोई कोई गाय मान लीजिए 70-75 दिन के लिए भी छोड़ा जाता है, अगर थोड़ा सा बीसीएस ज्यादा डाउन हो गया है तो उसको सुधार। ये गाय जो है 32 लीटर दिया है। हाँ 32 लीटर 200 ग्राम जो कि 32 लीटर 200 ग्राम रिकॉर्डिंग की है, लाइव रिकॉर्डिंग। हाँ, हाँ। यानी जो गाय आपको दिखाया गया 32 लीटर 200 ग्राम दूध दिया, और इससे कम जो थोड़ा है वो कौन सी है। इसके बाद इसका 30 लीटर का है रिकॉर्ड, इसका 30 लीटर का है, इसका 30 लीटर का है, ये तीनों गाय, यानी ये तीनों गाय आप देख पा रहे हैं खड़ी है, बीच वाली बैठी हुई है, वो 30-30 लीटर जो है कि बायफ द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। वो लोग यहाँ आते हैं, उसका जो है वजन वगैरह यहीं कर देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वेट मेजरमेंट भी यहीं करते हैं, फैट स्नैप भी लगा के वो सारा कुछ देते हैं। बाद में जैसे कोई पशु ड्राई हो गया तो उसका सर्टिफिकेट भी बना के देते हैं। अच्छा, अच्छा। और वो पीडीएफ फॉर्म में होता है, जरूरत होगी तो वो भी आपको मिलेगा। अच्छा। जी तो ये नस्ल इन लोग कौन सी है, एचएफ है? नस्ल एचएफ, हाँ एचएफ और जर्सी है हमारे पास, जर्सी के भी 3 गायें हैं हमारे पास, बाकी सारी एचएफ हैं, एक साहीवाल है। तो इसमें जैसे कि दूध वगैरह आपके पास टोटल इतनी गायें हैं, तो लगभग ये कितने बच्चा करने कितने महीने तक दूध देती हैं? बच्चा करके ये कम से कम 10 महीने। हाँ हाँ हाँ, ये पूरा दूध देती हैं। यानी कि अगर हमें दूध डेयरी करना है तो गाय पालन करें तो अच्छा है या भैंस? बहुत अच्छी जानकारी है तो गाय पालन करना चाहिए, जानकारी का थोड़ा भी अभाव है या संसाधन का अभाव है तो भैंस पालन करें, क्योंकि भैंस पालन आसानी से किया जा सकता है, गाय का फार्म इतना आसान है नहीं। गाय फार्मिंग में अगर आना है तो अच्छी खासी आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, अच्छा खासा फीड मैनेजमेंट होना चाहिए, ब्रीड मैनेजमेंट होना चाहिए, तब तो आप गाय के फार्म में सक्सेस हैं, अन्यथा आप गाय के फार्म में डूब जाएंगे। तो इसमें टोटल कितनी गायें आ जाती हैं दोनों साइड में? टोटल 22 पशुओं का सेड है ये, 22 पशु। हाँ टोटल 22, इसमें जो वयस्क पशु हैं वो रखे जा सकते हैं। तो जैसे 22 पशुओं के लिए बनाया गया तो इसमें टोटल लगभग खर्च कितना पड़ा आपका? लगभग 4.5 से 5 लाख के आसपास खर्चा आया था। लेकिन अभी इस समय बनाना हो तो खर्च बढ़ जाएगा? मान सकते हैं वही थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, रहेगा वही। तो जो आपका दूध है जी, ये दूध कहाँ पर देते हैं? दूध अभी ज्ञान डेयरी में जा रहा है, और इसके पहले स्वेद धारा में दे रहे थे, ज्ञान डेयरी का रेट अच्छा आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए ज्ञान में जा रहा है दूध। सभी पर गाय का जो है, जैसे गाय है आपकी ताजी ब्याही हो, तो उनकी क्या रेट पड़ रहा है दूध का रेट? हमारे यहाँ हमारे फार्म का रेट आप ये मान के चलिए कि 40 के नीचे कभी नहीं होता है कोई भी गाय। हाँ हाँ हाँ, और हाईएस्ट 45 रुपये, ये एवरेज बता रहे हैं, जो सारी गायों का एवरेज रेट है वो 40 से 45 के आसपास रहता है। इस समय लगभग 42-42.5 का रेट चल रहा है, यानी कि 40 के नीचे नहीं पड़ता है? नहीं नहीं, 40 के नीचे कभी नहीं, 40 के नीचे कभी नहीं। अगर किसी पर्टिकुलर गाय की बात की जाए तो हमारे पास ऐसी गायें हैं जो 72-75 रुपए का रेट है, 72 से 75। अब ये देख ली, ये लगभग 60 रुपए का रेट लगता है इसका, 60 रुपए। हाँ हाँ हाँ, और 30 लीटर कैपेसिटी वाली गाय है, तो मान के चलिए कि 45 लीटर वाली कोई क्षमता की गाय है तो उसका सामना करेगी ये, क्योंकि 1.5 गुना रेट है। एक वो गाय है, उसको आप दिखाइए, गौशाला से लेके आए थे, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार की गौशाला है वहां से गाय आई है, 1500 रुपए महीना इसका आता है। और ये हाईएस्ट इसका फैट 12 रहा है, 12 फैट कभी भैंस में नहीं आता है। इस समय मौजूदा फैट इसका है, अगर जरूरत पड़ी तो वो भी आपको हम दिखाएंगे लाइव, इसका इस समय मौजूदा फैट लगभग 7 के आसपास चल रहा है, 6-8 से लेके 7 के आसपास इतना फैट चल रहा है। तो जो दूध आप देते हैं तो आपका दूध वहाँ पहुँचाने जाते हैं कि गाड़ी खुद आती है? गाड़ी दोनों मीटिंग आती है, दूध लेके जाती है, अभी ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। तो दूध हाथ से निकालते हैं मशीन द्वारा? मशीन भी अपने पास, लेकिन हाथ से मिल्किंग कर रहे हैं, बहुत आवश्यकता पड़ नहीं रही है मशीन की, और मशीन से भैंसों का दूध नहीं निकल पाता है, कुछ गायें हैं वो भी नहीं निकालना चाहती हैं, तो इसलिए 2-4 के लिए कोई मतलब बन रही मर नहीं रहा है, तो हम अभी हाथ से ही निकाल रहे हैं।
जैसे कि इतना बड़ा फार्म आपका बन चुका है, तो आप जैसे कोई और भी किसान हैं, बहुत दूर दूर से लोग देखते हैं, उन्हें दूध डेयरी लेना है, जैसे कि मान लो आप श्वेत धारा इसके पहले थी, अब हम ज्ञान में दे रहे हैं यानी ज्ञान डेयरी में इनका दूध अभी हाल में जा रहा है, तो ज्ञान डेयरी, उसके बाद आपको अमूल डेयरी के बारे में बताते हैं। जैसे ज्ञान डेयरी में जैसे किसी को दूध देना है, उनके पास 10 से 15 गाय भैंस हैं, दूध अच्छा है उनके पास, तो जैसे को किस तरह से उनसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, संपर्क करने के लिए 2-3 चीजें पहले अनिवार्य हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि आपके यहाँ वो डेयरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर डेयरी काम कर रही है तो आप उनके सुपरवाइजर या मैनेजर से संपर्क करिए, वो आएंगे आपको डेयरी देंगे, क्योंकि आप कैपेबल हैं, दूध आपके पास है, किसान आपसे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी डेयरी होगी वो आसानी से आपको दे देगी। आपके पास दूध नहीं है, किसान नहीं जुड़े हैं, तो वो तो फिर मुश्किल है। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि बहुत दूध हो, किसान जुड़े हो, जरूरी नहीं है वो डेयरी आपके यहाँ काम कर रही हो। तो डेयरी अगर काम कर रही है तो मिलेगा, बहुत कठिनाई नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। आते हैं, एक छोटी सी मीटिंग होती है, 40 किसानों का एक समूह बनता है, उसके बाद फिर डेयरी चलती है आपकी। जैसे कि लगभग जो भी दूध डेयरी लेना है तो उस गांव में कितने दूरी पर डेयरी हो तो मिलता है? मान के चलिए 2 से 3 किलोमीटर दूर पे ही डेयरी आप खोल सकते हैं। एक डेयरी अगर आपके गांव में खुल चुकी है तो वो सेम डेयरी आपको नहीं मिल सकती है। अदर कंपनी की मिल जाएगी, लेकिन सेम डे, जैसे हमने कितनी बार हम भी बताए हैं कि आपको लगभग जैसे जिस गांव में आप दूध डेयरी किए हैं उस गांव में अगर 3 से 4 किलोमीटर की दूर पर आप हैं तभी आपको दूध डेयरी मिलेगी, और जब आपके गांव में 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेंज में दूध डेयरी है तभी आपको डेयरी भी मिलेगी। अगर वो काम भी नहीं कर रही है, मान लो 50 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर दूर है, तो डेयरी काम नहीं करेगी, वो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज ये भी हो सकता है, आपके रूट पे मान लीजिए जो गाड़ी चल रही है, अब वहां से आपका घर जरूरी नहीं है कि बहुत दूर हो, 5-6 किलोमीटर दूर हो, लेकिन रूट का वो आखिरी कोना हो, तब भी आपको नहीं मिल सकती है डेयरी। तो ये है आपके क्षेत्र में जो डेयरियां काम कर रही है, लगभग सबका रेट ठीक है। ये है कि प्रयास करें अगर कि कोई अच्छी डेयरी हो तो किसान भाइयों के लिए ठीक है। तो जैसे अमूल डेयरी में आप जो है अप्लाई किए, तो अमूल डेयरी में अप्लाई करने का क्या तरीका है? अमूल डेयरी में भी सारे प्रोसेस सेम हैं, यही प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। वहां भी 40 किसानों का एक समूह होगा और वहां पे सचिव और अध्यक्ष का चयन किया जाएगा खुली बैठक में, उसके बाद जो सचिव होगा वही डेयरी का संचालन करेगा। तो सारी मतलब सब कुछ वही है हर डेयरी में। तो जैसे अमूल डेयरी किसी को लेना है, जैसे अपने प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं जी जी, तो उनको कहाँ पर संपर्क करना होगा? संपर्क उनको करना चाहिए अमूल डेयरी के जो मैनेजर हैं या सुपरवाइजर हैं, आपको हम कॉन्टेक्ट नंबर उनका दे देंगे, आप अपने वीडियो में उनको दे दीजिएगा, किसानों को तो संपर्क कर सकते हैं। तो आपको नंबर मिला था कहीं से? कैसे? नहीं, हम स्वयं आकर के संपर्क किए थे वो। अच्छा, घर पे आके। तो उनका ऑफिस वगैरह यहाँ पर कहीं? ऑफिस यहाँ पृथ्वीगंज में है। पृथ्वीगंज किस जगह? पृथ्वीगंज से जब आप महेरी वाली रोड पे चलेंगे तो लगभग 3 किलोमीटर आगे जाने के बाद महेरी। अच्छा, यानी पृथ्वीगंज में हमारे इधर अमूल डेयरी है। तो वहां जाने के बाद हमें क्या कहना हो, जैसे नया कोई लेना चाहता है डेयरी अमूल का, तो वहां जाने के बाद क्या कहना? वहां के किसी भी कर्मचारी से वो मिलेंगे तो वो उनको संबंधित अधिकारी से जरूर मुलाकात करवा देगा। उनको यही बताना है कि हमें डेयरी लेना है, चलाना है, हमारे क्षेत्र में दूध है, डेयरियां नहीं है, या जो भी उनकी समस्याएं हैं या जो उनकी जरूरत है उसको बताएंगे तो जरूरतों को पूरा किया जाएगा डेयरियों के द्वारा। चाहे जो डेयरी होगी, सबको दूध चाहिए, ऐसी कोई डेयरी नहीं है जो किसानों से नहीं जुड़ेगी। किसान से जुड़ेंगे तभी दूध चाहिए मिलेगा उनको, और दूध सबको चाहिए। और जैसे कि अमूल डेयरी में रेट बढ़िया है, कैसा रेट है? यहाँ पर एरिया में 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर पर अमूल डेयरी है कि नहीं? अभी नहीं है, अभी अपने प्रतापगढ़ में नहीं है। प्रतापगढ़ का छोड़ मान लीजिए तो सुल्तानपुर क्षेत्र में जो डेयरी चल रही है वहां से 2-3 सेंटर हैं जो प्रतापगढ़ में कार्य कर रहे हैं, खैर उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सुल्तानपुर के ही नाम से चल रहा है अभी, तो कर रही है। रेट बहुत अच्छा है, आप समझ लीजिए बढ़िया रेट देने वाली डेयरियों का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें आपका अमूल हो गया, ज्ञान है, नमस्ते इंडिया है, मदर है, ठीक है, और श्वेत धारा हो गई, उसके बाद एक और डेयरी है सामर्थ्या करके चल रही है, वो भी मदर से टाइप है उसका। ऐसी डेयरियां बढ़िया हैं, यही डेयरियां चलानी चाहिए, और दूध का अगर बहुत अच्छा रेट लेना है किसान भाइयों को तो यही कहेंगे कि रिटेल करिए, बिना रिटेल के उद्धार नहीं होना है। अगर डेयरी चलानी है, फार्मिंग करनी है, तो फार्म को आगे ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप जब तक सीधे उपभोक्ता से नहीं मिलेंगे, उपभोक्ता तक आपके प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, उद्धार नहीं होना है।
डेयरी में देके तो काम नहीं चल पाएगा। अमूल डेयरी में जो है भैंस का कितना रेट है, हाईएस्ट कितना है? हाईएस्ट भैंस का 120 रुपए। 120? हाँ हाँ 120 रुपए। समझ रहे हैं, अमूल दूध डेयरी में 120 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से दूध जाता है, भैंस का दूध। भैंस का दूध आपको कैसे पता चला ये? जहाँ चल रही है, लोग संपर्क में रहते हैं, कई डेयरियां हैं जो संपर्क में हैं, तो पता लगता रहता है किस डेयरी का क्या है रेट। अब जैसे मान लीजिए ज्ञान का है तो शायद 86 रुपए का हाईएस्ट है इनके भैंस का, और श्वेत धारा का है उनका भी ऐसे ही 80 के आसपास का रेट चल रहा है हाईएस्ट। स्टैंडर्ड रेट पे बात होती है, चाहे जो डेयरी आएगी स्टैंडर्ड रेट का बात करती है। स्टैंडर्ड की बात कर लें तो अमूल में इस समय 52 का, सॉरी ज्ञान धारा में 52 का रेट चल रहा है, और अमूल का इसके पहले 53.25 रुपए चल रहा था, इस समय क्या है नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इसमें जंपिंग रेट है, जंपिंग रेट है, ये लोग प्रो डेटा पे काम करते हैं। अच्छा हाँ, रेट चार्ट सब का एक अलग डिजाइन होता है, सब अपने हिसाब से डिजाइन किए हुए हैं, तो कुल मिलाकर के फायदे की बात अगर की जाए तो किसानों का फायदा नहीं है, डेयरियों का फायदा है। नहीं, कोई भी डेयरी अगर दो डेयरी में 120 रुपया लीटर के हिसाब से जा रहा है, तब तो किसान मालामाल हो जाएगा। मालामाल तो हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा, माने रखता है जी। लेकिन ये कुछ चुनिंदा किसानों के लिए है, मतलब जैसे पेट वगैरह बढ़िया पेट आ रहा है। जी जी जी, ये तो हाईएस्ट रेट है कि मान लो 120 रुपया पर रेट है। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज आप ये मान के चलिए कि लगभग 70-80 के ऊपर अमूल का भी नहीं है भैंस का रेट, और गायों की बात की जाए तो अमूल में जो एवरेज रेट आ रहा है वो यही है 40-45 के आसपास का। और कोई भी डेयरी होगी गाय का अगर दूध है तो 40-45-35 ऐसे ही है। हाँ ऐसे ही है, जब भैंस का है तो 100-120 रुपए तक जा सकता है जी। लेकिन भैंस की फार्मिंग इतनी आसान इसलिए नहीं है, भैंस दूध करती है, भैंसों में बड़ा मतलब वेरिएशन है, बहुत वेरिएशन है, इतना वेरिएशन है। कोई भैंस आपको दूध देगी 6-8 महीना, कोई 12 महीना 14 महीना भी कर ले रही है, कोई 1.5 साल दूध दे रही है, तो अगर 1.5 साल दूध दे रही है तो कम से कम 1 साल वो ड्राई जाएगी, ये बड़ी दिक्कत है। गायों में ऐसा नहीं है, गायें दूध दे रही हैं, आप समझ लीजिए अच्छी फीडिंग मैनेजमेंट अगर आपके पास है तो 60-90 दिन के अंदर आपकी गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी, और फिर आप वही 60-65 दिन के लिए आप उसको ड्राई करेंगे, फिर से आपको दूध मिलना शुरू हो जाएगा, हर साल आपका बच्चा पैदा हो रहा है तो अच्छा ग्रो कर रहे हैं, बढ़िया दूध भी आ रहा है, तो यही कहेंगे कि अच्छा। दूसरी चीज है, किसान भाइयों से एक जरूर निवेदन रहेगा कि किसी भी ब्रीड पे काम करिए, प्योरिटी की तरफ बढ़िए। आप भैंस रख रहे हैं तो मुर्रा की ही रखिए, बढ़िया प्योरिटी में जाइए। HF रख रहे हैं तो उसमें भी प्योरिटी में चलिए, क्रॉस ब्रीड के चक्कर में कम पड़िए, किसी भी ब्रीड पे काम करिए, प्योरिटी में जाइए। तो भाई जैसे यहाँ साहीवाल गाय है वो सफल है कि नहीं इस डेयरी में? अपने क्षेत्र के लिए साहीवाल तो कहेंगे कि एक वरदान है, वरदान है बिल्कुल। अगर किसी को सही से काम करना है देसी पे तो जो सबसे अग्रणी और सर्वोत्तम कोटि की गाय है वो साहीवाल है, मतलब फिर गीर थारपारकर वगैरह जो भी जितनी भी हमारी देसी नस्लें हैं उनमें सबसे जो सर्वोपरि गाय है वो केवल साहीवाल है। तो ये सब बताया जाता है साहीवाल जो है ज्यादा समय तक दूध नहीं देती, लगभग 8-7 महीने नहीं, 8 महीने घटा देती है। हाँ दूध घटाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दूध घटाती है। सारा दूध तो खेला तो दूध का ही है, मान लो जो वही किसान गाय रखना पसंद करेंगे जो लंबे समय तक दूध दे। लंबे समय तक दूध लेना है तो जर्सी फ्रिजियन पे काम करिए, लेकिन जर्सी फ्रिजियन का आप जब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं है इस क्षेत्र में, अच्छी खासी ट्रेनिंग नहीं है आपके पास, आप ट्रेंड ना हो और आपके पास सुविधाएं ना हो तो आप संकर नस्ल पे काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इनके लिए सुविधा बढ़िया चाहिए, बहुत बढ़िया सुविधा चाहिए, सुविधा के साथ साथ इनका फीडिंग मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, रख रखाव अच्छा होना चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे, अन्यथा आसान नहीं है भाई साहब संकर नस्ल। तो यही कहेंगे कि अगर देसी पे काम करना है तो साहीवाल पे करिए, संकर नस्ल में जाना है तो शुरुआत करिए जर्सी से। पैसे कमाना है तो कौन सी गाय रखें? जर्सी, जर्सी है। जर्सी तो देखिए, अगर आपको पैसे कमाना है जर्सी रखिए भाई, जैसे जैसे जहां हो। और जैसे दूध डेयरी लेना है तो जैसे आप बताए कोई भी दूध डेयरी है, A to Z जो भी डेयरी है उसको लेने का तरीका एक शब्द मतलब एक लाइन और बता दीजिए। डेयरियां हैं 100 बात की एक बात अगर कर ली जाए यहाँ पे, तो आप ये समझिए कि दूध उत्पादन करिए, आपके पास दूध है तो डेयरियां आपके घर पे आएंगी, वो दे के जाएंगी, आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, मतलब डेयरियां आपके घर पे दे के जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है अगर गाय भैंस पालन कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि हम दूध ले कहां जाएंगे? दूध देखिए, दूध ले जाने के लिए तो आज खैर अपने प्रतापगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता बहुत कठिन रह गया है, डेयरियां बहुत हैं,
अपने क्षेत्र में जहां तक मुझे अंदाजा है 12 से 14 डेयरियां काम कर रही हैं, तो डेयरी हाँ हाँ प्रतापगढ़ में, तो ऐसी बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दूध ले जाना है तो आपको मार्केट समझना पड़ेगा, हमारे मार्केट की मांग क्या है। भैंस का दूध ज्यादा मांग रहे हैं, गाय का मांग रहे हैं, HF का लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमें साहिवाल पे काम करना पड़ेगा। तो प्रयास यही करिए कि आप उपभोक्ता तक अपना दूध पहुंचाइए, मार्केट में उतरिए, तभी कुछ हो सकता है। इसके अलावा डायरेक्ट दूध बिक्री कर देते हैं, कुछ इसका प्रोडक्ट वगैरह बनाते हैं, प्रोडक्ट भी बनाते हैं, लेकिन अभी प्रोडक्ट उतने ही बन रहे हैं जितने ऑर्डर आते हैं। हाँ, कोई भी ऑर्डर आ रहा है हमारे पास, खोया पनीर जो भी ऑर्डर है तो वो पूरा कर दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक हम पूरी तरह से रिटेल में आए नहीं हैं, और रिटेल में जब तक नहीं आएंगे अच्छी प्रॉफिट नहीं हो सकती। जी, तो खोया वगैरह बनाते हैं? जी बनाते हैं। तो ऑर्डर कोई देना चाहे तो लेंगे? बिल्कुल लेंगे, हमारे पास ऑनलाइन सुविधा भी है, वेबसाइट पे जाके दे सकते हैं। तो ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए अगर आपको शुद्ध चीज चाहिए। जैसे क्या क्या शुद्धता में क्या क्या? हमारे यहाँ जो भी मिलेगा शुद्ध मिलेगा, शुद्ध के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप ये समझ लीजिए, इस बार की बात ये रही है कि जैसे मई में कुछ लगने ऐसी थी शादी विवाह के समय में, मतलब लोगों के पास दूध नहीं था, खोया नहीं था, पनीर नहीं था, ठीक है। तो अब उसमें वही होता है जब दो नंबर का शुरू हो जाता है, दो नंबर का दूध जाएगा, पनीर जितनी जाएगी बी ग्रेड दूध की जाएगी। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था, हम एक ही काम कर सकते हैं, अगर हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं रेट बढ़ा लेंगे। तो जहां हम 60 रुपए में दूध बेच रहे हैं गाय का, हम 70 कर लेंगे, 80 कर लें, लेकिन मिलावटी नहीं हो सकता है। तो कौन कौन सा क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके से। कौन सा उत्पादन आपके, मतलब क्या क्या चीजें बनाते हैं भैया? हमारे पास खोया है, पनीर है, रबड़ी है, मक्खन है, घी है, आपको क्रीम मिल जाएगा, दही मिल जाएगी, मीठी दही मिल जाएगी, छाछ भी मिल जाएगा, मतलब मिल्क एंड मिल्क सारे प्रोडक्ट। हाँ, तो अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे अगर किसी को ऑर्डर देना है आपसे संपर्क कर। मोबाइल नंबर से अच्छा है हमारे वेबसाइट पे जाएं, नाम बता जी, www.sanskardairy.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट है, आप सर्च करके sanskardairy.in इसी पे, हाँ गूगल पे आप जाएं, आराम से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, नंबर से भी आप कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। अच्छा, सबसे अच्छा है आप ऑनलाइन ऑर्डर करिए, ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो आपको छूट भी मिलेगी 5% की पेमेंट करने पे। लेकिन और ऑनलाइन पेमेंट हम एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा। आप आराम से ऑनलाइन पेमेंट करिए, 5% का छूट लीजिए। देखो, पेवर वही चीजें आपको मिलेगी जहाँ पर उनके पास हर चीज उपलब्ध होगा। जैसे यहाँ मतलब फार्म है दूध डेयरी का, तो इनके पास दूध तो इफ्रात होगा, तो जो चीजें यहाँ पर बनेगी बिल्कुल पेवर रहेगा, शुद्ध रहेगा, किसी भी तरह का आपको मिलावटी नहीं मिलेगा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिएगा, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।